नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल CA Movies Lover पे। और हम हाजिर हैं उड़िया फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम आपको देते हैं उड़िया फिल्म से रिलेटेड छोटे बड़े सारे अपडेट। सो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं उड़िया फिल्म टॉक्स के एपिसोड नंबर 2 को। वैसे कल का जो दिन था उड़िया फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी सरप्राइजिंग था, काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स आए। मैं पर्सनली काफी सरप्राइज हो गया कि इतने सारे अपडेट एक ही दिन पे कैसे आ गए। सो आइए एक एक अपडेट पे बात करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा कर दें। सो सबसे पहले बात करते हैं जो कल के दिन के सबसे बड़े अपडेट की तरफ से। यहाँ दोस्तों जो सबसे बड़े अपडेट कल आया, सुबह सुबह ही आ गया, अनुभव महांती की अगली फिल्म को लेकर। यहाँ दोस्तों उनकी अगली फिल्म का जो नाम दिया गया, जो अनाउंसमेंट करते हुए जो नाम दिया गया, उसका नाम है कुहुड़ी। लेफ्ट साइड में लिखा है सतो, राइट साइड में लिखा है मिचाओ, मतलब कोर्टून ड्रामा टाइप एक फिल्म होने वाली है। और जिसका पोस्टर का रिएक्शन भी हमने दिया है, तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट करें डायरेक्टर अजय पाड़ी, जिनकी पिछली कुछ फिल्में जो मेरे को काफ़ी पसंद आई थी। और इस अपडेट के साथ साथ एक और चीज़ जो ऑडियंस के मन में एक डाउट पैदा करता है कि इस बार रोजर 2024 में जो सबसे बड़ा क्लैश है वो होने जा रहा है। जैसे अभी हम इंडियन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी क्लैश को देखा है, अभी चल रहा है सलार वर्सेस डंकी। अब उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है इस बार 2024 रजम में। जी दोस्तों, अनुभव महांती अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं कुहुड़ी, और उसके साथ साथ बाबूशान महांती अपनी फिल्म जो लेके आ रहे हैं, जिसका टाइटल अनाउंसमेंट होने जा रहा है, पर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर अशोक पति, जो भी रजम पे रिलीज हो रही है। जहाँ बात हो रही है बाबूशान महांती की, तो बात कर लेते हैं उनकी जो अगली फिल्म है जिसको डायरेक्ट कर ले अशोक पति, उसका जो टाइटल अनाउंसमेंट है वो 1 जनवरी को रखा गया है। जी दोस्तों, 1 जनवरी को उसका एक पोस्टर के साथ साथ एक टाइटल अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिसका भी अपडेट कल आया था। इसके साथ साथ बात हो रही है बाबूशान महांती की, इनकी जो अगली फिल्म आ रही है, मतलब शिवम, सत्यम शिवम ऐसा कुछ नाम था जो डायरेक्टर, तेलुगु डायरेक्टर, उस फिल्म से जिसका नाम रखा गया अंतर्यामी, उस फिल्म का जो एक पोस्टर रिलीज किया गया कल उनका जन्मदिन था जो डायरेक्टर है उनका, तो जन्मदिन के मौके पर एक पोस्टर शेयर किए है बाबूशान महांती, जहाँ में ये साफ पता चल जा रहा है कि ये जो फिल्म होने वाले है ये कोर्टरूम ड्रामा टाइप फिल्म हो रहा है, क्योंकि जो कटघोरे है वहाँ पे खड़े हैं दोनों, तो शूटिंग का ही पिक्चर है लग रहा है। और शूटिंग से ये पता चल रहा है कि जो मतलब अलारी नरेश की एक फिल्म आई थी जिसका नाम क्या था, नंदी जैसा टाइप का था, उस टाइप का फिल्म होने वाला है, क्योंकि इससे पहले एक और पोस्टर आया था जिसमें मतलब जेल में ऐसे ही थे बाबूशान महांती, हाथ को बस दिखाया गया था, जिसके बाद वो लोरी ड्राइवर के रोल में भी नजर आ रहे, तो क्या फिल्म होने वाले काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जो भी है अपडेट आएगी तो हम आपसे सबसे पहले बता देंगे। इसके अलावा बात करते हैं अगले जनवरी में रिलीज होने जा रही है 2 उड़िया फिल्म के बारे में। जी दोस्तों, जो सबसे पहला है वो ऑपरेशन 1217, जिसमें हमें भूमिका दास एक लीड रोल पे देखने को मिलने वाले हैं, जिसका पोस्टर मैंने देखा कल ही देखा, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी एक फिल्म बन रहा है। इसका कल एक लॉन्च इवेंट रखा गया था, ऑडियो लॉन्च इवेंट, जिसका पोस्टर शेयर किया गया, फोटो वगैरह शेयर किया गया, जिसको मैं आप पीछे लगा दूंगा, आप देख लेंगे ना। पर वहीं से मेरे को पोस्टर भी देखा, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसका टीजर ट्रेलर हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जनवरी पर रिलीज है, तो अभी इन्हीं कुछ दिनों के अंदर इसका टीजर और ट्रेलर आ जाएगा। इसके अलावा डायरेक्टर अनुपम पटनायक, जिन्होंने प्रतीक्षा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म दी है, उनकी अगली फिल्म जो है त्रिकन्या, वो भी जनवरी 24 पर रिलीज होते हुए नजर आ रही है, तो उसका भी जो ट्रेलर है वो हमें जल्दी देखने को मिलने जा रहा है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट आ रही है डायरेक्टर अश्विन त्रिपाठी के अगली फिल्म को लेकर। जी दोस्तों, अश्विन त्रिपाठी जिन्होंने डिलीवरी बॉय और डॉट पेन जैसी काफी इंटरेस्टिंग थ्रिलर फिल्म दी है, उनकी अगली फिल्म का अनाउंसमेंट कल करवा दिया गया है। जी दोस्तों, अश्विन त्रिपाठी #3 का जो अनाउंसमेंट है वो करवा दिया गया, जिसका टाइटल रखा गया शांति अपार्टमेंट। और इस फिल्म में हमें लीड रोल पर नजर आने वाले रागिनी सूत्रधर और दीपंजीत दास महापात्र, जिनको हमने प्रतीक्षा फिल्म में लीड रोल पर देखा था, और दमन फिल्म में भी वो अच्छे काम किए थे, तो उनका जो मतलब स्क्रिप्ट चॉइस है मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। दीपंजीत दास महापात्र जो अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं, उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा सुभाषिश शर्मा भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं, और जिसका पोस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी थ्रिलिंग लग रहा है, तो अश्विन त्रिपाठी एक और थ्रिलिंग फिल्म के साथ आ रहे हैं, जिसको लेकर मैं पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि डिलीवरी बॉय और डॉट पेन दोनों ही मूवी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, तो देखते हैं अगली फिल्म में वो क्या नया थ्रिल लेके आते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, अगली अपडेट आ रही है PRP डायरेक्ट से। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर पृथ्वीराज पन्ना, जिनको हम PRP डायरेक्ट के नाम से जानते हैं, जिन्होंने माल्यगिरी, टारगेट और भाई जैसे फिल्म बनाई है, तो उनका जो अगली फिल्म है माफिया, उसका जो मतलब पोस्टर जो है, टाइटल पोस्टर जो है, करेक्ट मतलब एक फर्स्ट लुक पोस्टर जो है वो हमें जल्दी रिलीज कराया जाने वाला है, जिसको अनाउंसमेंट करते हुए बताया गया कि जनवरी 1 मतलब न्यू ईयर पे इसका जो
टाइटल पोस्टर है, फर्स्ट लुक पोस्टर है, वो हमें देखने को मिलने वाला है। और इसी को अनाउंस करते हुए एक पोस्टर मतलब जारी किया गया जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि काफी सारे बंदूकें, काफी सारे गन्स देखने को मिल रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि काफी सारे गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने जा रही है ये फिल्म। सो बस यही तक था आज का वीडियो। वैसे इनमें से कौन सी अपडेट को लेकर आप काफी ज्यादा सरप्राइज थे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब बटन है उसको डेबिट करें। मिलते हैं हम लोग, तो तकलीफ।